Hello friends, today I'm back again with another video for the Nati CCL Hindi vocabulary. This video will concentrate mainly on business related words so that you can improve your vocabulary in this content section. And I hope these videos are helping you to develop your vocabulary for the for use in your mock dialogues as well as in your main dialogue. So without further ado, let's begin. So the first word in this section is ayat. Ayat means import. Niryat, niryat mane export. Okay. Utpadan karna, that is to produce. Okay. Utpadan karna. Utpad is product. Utpadan, produce. Okay. Utpan karna, generate. उत्पाद और उत्पन्न, इन दोनों में आप थोड़ा सा फर्क जानिए और देखिए कि आप याद रखें कि दोनों में क्या अंतर है और आपको कैसे ट्रांसलेट करना है. ठीक है. राजस्व, रेवेन्यू. मुनाफा, प्रॉफिट. नुकसान, लॉस. बिक्री माने सेल्स. ओके. बिक्री, जमे हुए खाद्य पदार्थ, दैट इज फ्रोजन फूड्स. ओके. व्यापार, बिजनेस. उद्योग माने इंडस्ट्री. तो कई बार आपको ऐसे डायलॉग्स में आता है कि दिस इंडस्ट्री हैज इम्प्रूव्ड अलॉट. ओके. तो आपको उसे उद्योग बोलना है कि यह उद्योग बहुत अच्छे से, इसने मतलब इस उद्योग ने बहुत अच्छे से बढ़ोतरी की है. ठीक है. कारखाना, फैक्ट्री. कारोबारी प्रतिनिधि, दैट इज बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव को हम प्रतिनिधि बोलते हैं एंड बिजनेस को कारोबार बोलते हैं, तो कारोबारी प्रतिनिधि. ओके. कंपनी प्रतिनिधि, कंपनी रिप्रेजेंटेटिव. ओके. अगर आपको ऐसे कोई वर्ड आता है कंपनी सेक्रेटरी, तो आपको तो अपने पिछले जो वीडियोस देखे होंगे मेरे, तो उसमें मैंने बताया है कि सेक्रेटरी को हम सचिव बोलते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी को हम बोलेंगे कंपनी सचिव. ठीक है. चले पहले कारोबार की बात करते हैं. तो देर वॉज अ डायलॉग वेर इन दे सेड दैट लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस फर्स्ट. तो उसको हमने कैसे ट्रांसलेट करना है, तो चलिए पहले कारोबार की बात करते हैं. ओके. सीधे, डायरेक्टली. सीधे सीधे, स्ट्रेट अवे. ओके. सो समटाइम्स इन द डायलॉग्स यू विल गेट सेंटेंस लाइक लेट्स गेट टू दिस स्ट्रेट अवे. ओके. तो सीधे सीधे इस मुद्दे पे आते हैं, समथिंग लाइक दैट. ओके. उल्लेख किया, mentioned. Okay. So you can you will have in a dialogue that usne aapke bare mein ullekh kiya tha, so he mentioned about you. Okay. This can also, like mention can also be translated as zikr. Okay. Zikr karna bhi mention karna hota hai. Ruchi rakhna, to be interested. Utpad ayat karna, that is to import products. Okay. The next word is sankshipt, which means brief. Okay, can you tell me this in brief? तो क्या यह आप मुझे संक्षिप्त में बता सकते हैं? Okay. परिचय, introduction. तो कई बार dialogues में बोला जाता है कि पहले मैं अपना परिचय करा दूँ, तो it means let me first introduce myself. Okay. तो परिचय, introduction. उत्पादों की श्रेणी, product range. कपड़े की दुकान, that is clothing store. उपकरण, equipment. संचालन शुल्क. ओके. सो बेसिकली इन सम ऑफ द डायलॉग्स दे वुड से दैट ओके, वी आर रेडी टू एक्सपोर्ट दिस प्रोडक्ट, बट देर विल बी सम हैंडलिंग फी. ओके. तो आपको बोलना है संचालन शुल्क. ओके. इस उत्पाद पर संचालन शुल्क लागू होगा. कर रियायत, टैक्स कंसेशन. कर मुक्त, टैक्स फ्री. ओके. अगर आपको ड्यूटी फ्री बोला जाता है, तो आपको बोलना है शुल्क मुक्त, दैट वुड बी ड्यूटी फ्री. स्थापित, एस्टैब्लिश्ड. तो कई बार डायलॉग्स में बोला जाता है कि यह कंपनी फलाना साल में स्थापित हुई थी. ओके. तो दैट वे यू हैव टू रिमेम्बर दिस. ओके. स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट. मुख्य व्यापार. ओके. तो कोर बिजनेस और द मेन बिजनेस. तो आप जैसे बहुत सारे डायलॉग्स में बोला जाता है कि आप तो यह भी करते हैं, लेकिन आपका मुख्य व्यापार क्या है? ओके. व्हाट इज योर मेन बिजनेस? उत्पादन करना और उनकी बिक्री, दैट इज प्रोडक्शन एंड देयर सेल्स. ओके. उत्पादन करना और उनकी बिक्री.
समुद्री खाद्य पदार्थों के उत्पाद, दैट इज सी फूड प्रोडक्ट्स. समुद्री खाद्य पदार्थ इज सी फूड. ओके, खाद्य पदार्थ मतलब फूड. समुद्री खाद्य पदार्थ में सी फूड के उत्पाद, दैट इज द प्रोडक्ट्स. गहरी तरीके से तले हुए उत्पाद, दैट इज डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स. ओके, गहरी तरीके से तले हुए उत्पाद. सहायक उद्योग, सब्सिडरी इंडस्ट्री. ओके, सहायक सपोर्टिंग. दुनिया भर, जैसे कि बहुत डायलॉग्स में बोला जाता है कि दुनिया भर में हमारे कई शाखाएं हैं, तो इन दैट केस यू विल से दुनिया भर, विच इज वर्ल्ड वाइड. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मुख्य रूप से, मेनली और प्राइमरीली. ओके, घरेलू बाजार में बिक्री, दैट इज डोमेस्टिक मार्केट सेल्स. ओके, डोमेस्टिक इज घरेलू. ओके, मार्केट बाजार, सेल्स बिक्री. कितना बड़ा, हाउ बिग. बाजार में हिस्सेदारी, दैट इज मार्केट शेयर. ओके, बाजार में आपके कंपनी की हिस्सेदारी कितनी है, तो मार्केट शेयर कितनी है आपकी इस वक्त, एट दिस मोमेंट और राइट नाउ. ओके, तैयार उत्पाद, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. प्रसंस्कृत उत्पाद, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स. सो प्रसंस्करण इज प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इज कॉल्ड प्रसंस्करण, एंड प्रसंस्कृत इज प्रोसेस्ड. ओके, सो तैयार उत्पाद इज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, प्रसंस्कृत उत्पाद इज प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कारोबार, लाइक वी सॉ बिफोर, इट्स बिजनेस. विदेशी बाजार, फॉरेन और ओवरसीज मार्केट्स. ओके, पंजीकृत कार्यालय, रजिस्टर्ड ऑफिस. आपके कंपनी की पंजीकृत कार्यालय किधर है, तो वेयर इज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ योर कंपनी. मुख्यालय, हेडक्वार्टर. हमारे कंपनी का मुख्यालय यहाँ है, तो दैट इज मुख्यालय इज हेडक्वार्टर. साप्ताहिक आधार पर, वीकली बेसिस. आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन. ओके, आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन. आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ओके, व्यापार समझौता, बिजनेस और ट्रेड एग्रीमेंट. ओके, व्यापार इज बिजनेस और ट्रेड. कराधान, दैट इज टैक्सेशन. शुल्क मुक्त, ड्यूटी फ्री, लाइक आई सेड बिफोर इन अ प्रीवियस स्लाइड. सो शुल्क मुक्त इज ड्यूटी फ्री. ओके, आंशिक, पार्शियल. कानून लागू करने वाली एजेंसी, दैट इज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. ओके, अंशकालिक, पार्ट टाइम. पूर्णकालिक, दैट इज फुल टाइम. निर्धारित, फिक्स्ड. अनिर्धारित, वेरिएबल. ओके, और इट कैन ऑल्सो बी से परिवर्तनीय. ओके, परिवर्तन, परिवर्तन मीन्स चेंज. परिवर्तनीय इज वेरिएबल एंड अपरिवर्तनीय विल बी फिक्स्ड. ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू डिफरेंट सिनोनिम्स फॉर दीज वर्ड्स. ओके, अधिकृत, ऑथराइज्ड. मानक, स्टैंडर्ड. मानक प्रसंस्करण समय, दैट इज स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम. लाइक आई सेड बिफोर, प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रसंस्करण. ओके, तो मानक प्रसंस्करण समय मतलब स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम. ओके, मान्यता प्राप्त, रिकॉग्नाइज्ड और एक्रेडिटेड. ये हमेशा आपको ऐसी चीजों में आती है कि हमारे कंपनी को मान्यता प्राप्त हुई है इस बारे में, इस चीज में, या इस उत्पाद को बिक्री करने में, एंड ऑल दैट. ओके, पहचान, रिकॉग्नाइज. असर, इम्पैक्ट. इसका यह असर हुआ है, तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, इसका यह इम्पैक्ट हुआ है. ओके, दक्षता, एफिशिएंसी. ओके, अधिनियम, एक्ट और स्टैट्यूट. ओके, ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कर का भुगतान, पेमेंट ऑफ टैक्स. समय पर, ऑन टाइम. सो ऑन टाइम कई बार डायलॉग्स में आता है कि आपको अपने कर का भुगतान समय पर करना चाहिए. ओके, सो यू, इट मीन्स you should do a payment of your tax on time. Okay, achal sampatti, immovable property. It's also called real estate, but if you're not comfortable or you don't remember real estate at that time, then you can also say immovable property. Chal matlab movable, achal means immovable. Okay, so achal sampatti. Aise aap agar shabdon ko tod kar unko samajhne lagoge to aapko bahut aasani hogi aur aap turant se usko translate kar payenge. Theek hai, परिवर्तनीय भुगतान, लाइक आई सेड वेरिएबल पे. परिवर्तनीय इज वेरिएबल, पे इज भुगतान. ओके, वेरिएबल पे. ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस, ATO. सो देयर इज दिस टैक्सेशन ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया व्हिच डील्स विद ऑल द टैक्स रिलेटेड थिंग्स. ओके, एंड इट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस, ATO. तो इसका आपको
अगर ट्रांसलेशन करते आया तो बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा आपका। तो ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस। ओके, गंभीर परिणाम, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस और सीरियस रिजल्ट्स। ओके, जुर्माना, पेनल्टी और फाइन। ओके, दोनों को आप जुर्माना करके ट्रांसलेट कर सकते हो। जेल भी जा सकते हैं, दैट मीन्स गो टू प्रिजन। ओके, तथ्य, फैक्ट्स, गलत समझना या गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंड। ओके, व्यवसाय में सुधार, बिजनेस इंप्रूवमेंट। ओके, व्यावसायिक प्रक्रिया में सुधार, दैट इज बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ओके, प्रक्रिया, प्रोसेस। श्रमिक मुआवजा, वर्कर कॉम्पेंसेशन, परंपरा, ट्रेडिशन, काम पर रखना, टू हायर, सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो कई बार आपने सुना होगा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमने ये किया है। ओके, सो इन दैट केस यू कैन ट्रांसलेट इट एज कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत हमने ये काम किए हैं। नागरिक अधिकार, दैट इज सिविल राइट्स और सिटीजन राइट्स। अर्जी या आवेदन को हम बोलेंगे एप्लीकेशन, अनुरोध या निवेदन को हम बोलेंगे रिक्वेस्ट। ठीक है, अधिकरण, दैट इज ट्रिब्यूनल। सो ट्रिब्यूनल इज नथिंग बट लाइक अ स्मॉल कोर्ट विच इज वेरी रैम्पेंट इन ऑस्ट्रेलिया। सो इफ यू गेट दिस वर्ड ट्रिब्यूनल, देन इट मीन्स अधिकरण। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट वर्ड इज काम पर रखने की तारीख या तिथि। ओके, दैट इज हायरिंग डेट। जैसे हमने देखा, काम पर रखना मतलब टू हायर। ओके, खरीदार, बायर और परचेजर, बिक्री करता, दैट इज सेल्समैन। ओके, साप्ताहिक श्रमिक, वीकली वर्कर, उपभोक्ता, कंज्यूमर, ग्राहक, कस्टमर और क्लाइंट। सो यू यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ कस्टमर एंड क्लाइंट। ओके, सो कंज्यूमर को आप बोलेंगे उपभोक्ता, ग्राहक आप इनको बोलेंगे कस्टमर या क्लाइंट को। ठीक है, उपभोक्ता मामला, दैट इज कंज्यूमर अफेयर्स, सामाजिक सोशल, सार्वजनिक पब्लिक, सामान्य कॉमन। ओके, साधारण ऑर्डिनरी, असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, एंड इफ यू जस्ट हैव द वर्ड एक्स्ट्रा तो उसको हम बोलेंगे अतिरिक्त। ओके, सो एडिशनली और इन एक्स्ट्रा तो अतिरिक्त बोलेंगे। ठीक है, विशेष स्पेशल, विशिष्ट स्पेशलाइज्ड, विभिन्न तरह। ओके, दैट इज डिफरेंट टाइप्स। सो यू यू माइट हैव कम अक्रॉस सम डायलॉग्स वेर इन दे वुड से दैट ओके, ये विभिन्न तरह के हम उत्पाद बनाते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, नौजवान, यंग पीपल या फिर यंगस्टर भी बोल सकते हो आप, विक्रेता, सेलर और अ वेंडर। ओके, संभावित, प्रोस्पेक्टिव, संभावना, पॉसिबिलिटी। ओके, प्रोस्पेक्टिव, संभावित मतलब ये हो सकते हैं। ओके, प्रोस्पेक्टिव जैसे कि संभावित खरीदार। ओके, दैट मीन्स अ प्रोस्पेक्टिव बायर। संभावना, ये संभावना है कि वह हमारी हमारे उत्पाद को खरीदे। ओके, संभावना इज अ पॉसिबिलिटी। महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, फायदेमंद, बेनिफिशियल, फायदा, एडवांटेज, सार्थक इज वर्थ वाइल। ओके, अब मैं जो ये चार पांच वर्ड्स हैं इनको आप ध्यान से देखें तो ये सब बहुत सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनकी जो ट्रांसलेशन है ये थोड़ी थोड़ी अलग है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पे थोड़ा और जोर दें और थोड़े अच्छे से पढ़ें, इनको याद रखें ताकि आप जब ट्रांसलेशन करो तो इनको कंफ्यूज ना कर लो। ठीक है, सो द फर्स्ट वर्ड इज सेमिनार, संगोष्ठी, एंड सेकंड वन इज कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन, जिसको हम बोलेंगे सम्मेलन। ठीक है, सेमिनार एंड कन्वेंशन इट काइंड ऑफ साउंड सिमिलर बट देर इज अ स्मॉल माइनर डिफरेंस। तो सेमिनार को हम बोलेंगे संगोष्ठी और कन्वेंशन को या कॉन्फ्रेंस को बोलेंगे सम्मेलन। सभा को बोलेंगे गैदरिंग और समारोह को बोलेंगे सेरेमनी। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ फंक्शन, फंक्शन और सेरेमनी। कुल मिलाकर, ऑल टूगेदर और इन टोटल। ओके, संपूर्ण रूप से, टोटली, बुनियादी रूप से, दैट इज बेसिकली। ओके, मूल रूप से, वो भी आप बेसिकली करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। मूलभूत, इसेंशियल। ओके, यह चीज हमारे इस उत्पाद के लिए मूलभूत है। ओके, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, आकलन, असेसमेंट। तो कई बार आपको डायलॉग्स में आएगा कि मैं आई एम योर असेसमेंट ऑफिसर, तो आपको बोलना है आकलन अधिकारी। ठीक है, धनराशि, अमाउंट ऑफ मनी, सहमत, एग्री,
असहमत डिसएग्री, तय किया हुआ मूल्य एग्रीड प्राइस और वैल्यू. ओके सो अगर आप समझ रहे हो तो इस बात की आपको जानकारी होगी कि प्राइस को हम आइदर मूल्य भी बोल सकते हैं या फिर कीमत भी बोल सकते हैं या यू कैन यूज टू ऑफ दीज डिफरेंट वर्ड्स. ओके सहमत कीमत दैट इज एग्रीड प्राइस. ओके परिमाण दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट और समथिंग लाइक दैट परिमाण. ओके मुनाफा प्रॉफिट, मुनाफे का अंतर दैट इज प्रॉफिट मार्जिन. विवरणिका दैट इज ब्रोशर एंड दावा कर सकते हैं कैन क्लेम. ओके सो गाइज दीज वेर द फ्यू ऑफ द वर्ड्स दैट आई हैड कम अक्रॉस ड्यूरिंग माय नाटी एग्जाम प्रिपरेशन एंड ड्यूरिंग द डायलॉग्स व्हेन आई वाज डूइंग सम मॉक डायलॉग्स आई केम अक्रॉस ऑल दीज वर्ड्स व्हिच आई हैव कलेक्टेड हियर फॉर यू गाइज सो दैट यू कैन read and learn and recall it for and you can also listen to that daily so that your vocabulary is improved also and you can recall very fast. Okay if please do like, share, subscribe and comment on this video. If you like it, please do share it with your friends. Please ask them to subscribe to the channel so that they get content every day so that they can prepare well for their NATI CCL exam. So okay guys, so I wish you all the very best for your exam. Thank you so much for watching this video. Please do subscribe, like, share and comment and give me a feedback on how I can improve the content further. Thanks a lot.